हाँ जी नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 4 दूसर वाली रेखीय समीकरण भाग 12, इसके अंतर्गत हम 4.3 प्रश्नावली है, उसका तीसरा प्रश्न है बिंदु 3.4 समीकरण 3y बराबर ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न आप ठीक है। अब यहाँ जो बिंदु आपको दिए हुए हैं, इन बिंदुओं में 3.4 है, ये जो 3 है वो x का मान है और ये 4 है वो y का मान, ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां वो समीकरण अपने को दे रखी है x आ रहा वहां तो 3 लिखना है और y आ रहा वहां पर हमको 4 लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। अब आपके समीकरण 3y बराबर ए एक्स प्लस 7 ये दी हुई है। अब आप इनमें भी आप ध्यान रखना है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 3y के बीच में तो आपको ध्यान है इनके बीच में गुणा का निशान है, 3 की जगह 3 इंटू वाई की जगह वाई का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। बराबर की जगह बराबर, वापस इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, एक गुणा एक्स की जगह वापस क्या करेंगे अपन, एक्स का मान 3 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 7 की जगह 7, वापस इन दोनों का गुणा 3 चौक 12 बराबर की जगह वापस अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, ए को 3 से गुणा किया 3 ए प्लस 7 की जगह 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण बन गई, समीकरण बन गए तो इसको तो क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे और इस अंक को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये जब बराबर के इधर आएगा ए का मान तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ए हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर 7 की जगह 7, अब ये 12 उधर जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, ठीक है। चिन्हों का भी अपने को ध्यान रखना, जब पक्षांतर करती है बराबर के इधर उधर जब संख्या जाती है तो चिन्हों को बदलना है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस के 3 ए हो गए, ये उधर गए इसलिए माइनस के 12 हो, ठीक है। अब माइनस 3 है तो ऐसे के ऐसे 7 और 12 दोनों अलग अलग चिन्ह किए, 12 में से 7 निकल गए तो माइनस के बच गए, माइनस के 5, अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस है, दोनों माइनस की इसलिए ये क्या होगी, कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचा, 3a बराबर 5। अब a का मान ज्ञात करना, तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये इसके बटे में चली जाएगी, यानी 3a बराबर 5 है तो a बराबर क्या हो गया, 5/3, यानी आपका ए का मान क्या हो गया, 5/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने को इस तरह से इसको हल करने की कोशिश करनी है, यह भी एक आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको HW में क्या करना है, HW की कॉपी में 4.3 प्रश्नावली है, उसमें पहला पहले का दूसरा प्रश्न x-y = 2, ठीक है, और x-y = 2 आलेख की खींचना है, ठीक है ना। आपको ग्राफ बनाना, ग्राफ किस तरह से बनाना अपने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाई, ठीक है ना। तो आपको x-y = 2 आलेख लिखना है, 4.3 है पहला प्रश्न है, उसका दूसरा अपने को हल करने की कोशिश करनी है, साथ ही इस प्रश्न को भी अपने को क्या है एक बार और बिना देखे हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।